इस समय मौजूद हो आप मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड के गांव बाद में, और गांव बाद की एक बेटी कविता सिंह का चयन पीसीएस में हुआ है, तो उसी उपलक्ष्य में वो आज हमारे साथ मौजूद है और गांव के लोगों ने उनका भव्य स्वागत भी किया है। गांव वाले और घर वाले और परिवार के सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज उनका सम्मान किया। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। उन पर विश्वास दिखाएं, जैसे मेरे माता पिता को अगर मुझ पर विश्वास नहीं दिखाते तो कई बार मेरा खुद का विश्वास डगमगाया, लेकिन मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, मेरे भाइयों का, मेरी सिस्टर का मुझ पर विश्वास था कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम लगे रहो, होगा तुमसे। तो वो चीज़ बहुत वैल्यू होती है। अगर फैमिली बच्चों के साथ होती है तो आप कोई भी टारगेट, आपका जो भी गोल है लाइफ में, मैं नहीं कहूँगी कि सिविल सेवा या कोई भी गोल होता है किसी बच्चे का, वो अचीव कर सकता है उसे। इसलिए आज मेरा, आप मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए और मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस सफलता में मेरे परिवार का, माता पिता का एक सराहनीय योगदान रहा है। मेरे माता पिता और मेरे परिवार का धैर्य और मार्गदर्शन आज मेरे जीवन में अत्यंत ही खुशियां लेकर आया है। आपका चार साहब, आज आपकी बेटी ने पीसीएस की परीक्षा पास की है, कैसा लग रहा है आपको? किस प्रकार की पढ़ाई की है आपकी बेटी ने, क्या करती थी? पढ़ाई करती थी, शाम को बैठती। क्या लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, क्या लग रहा था आपकी बेटी इस मुकाम पर पहुँचेगी? हाँ, आज थी इस मुकाम पर पहुँचेगी, इसी वजह से तो लग रही थी। मेहनत करी। कितने टाइम तक पढ़ाई करती थी? कितने टाइम तक पढ़ती थी? दो दो बजे तक करती थी। कभी आपने, आप उनने अपने मन की बात कही आपसे कि मैं ये बनना चाहता हूँ, क्या कही थी? कोई पद मतलब अधिकारी का पद। ठीक है, आ जा, आ जाओ। और एक एक तो पकड़ो, माला पकड़ो, सामने देखो। चौधरी तो चौधरी के संगे तो आई, तो कोई पहचान ही नहीं तो करे। स्वागत करे ये जो बच्चे रह गए हैं, जो नहीं है सर। चर्चा है चौरो बाद गाम के बसवैयन को, राम राम मेरी सब भैयन को, मसीह खुशी के स्वागत कर रहे, मई पाल की मुख देखी मुख की ओर, ज्ञान की चर्चा है चौर, भागीरथ को तो पद पायो, मैया जने जने तो ऐसी जने नहीं पुलोर, ज्ञान की चर्चा है चौर, बेटी तो पे मेरी करे बनवारी, फूले फले सदा फुलवारी, दिन सुनो और रात सवाय तेरो भरे। सर आप अपना परिचय दे दो, आज आपकी बेटी का चयन पीसीएस में हुआ है। मैं महिता सिंह छार, मेरी बेटी कविता सिंह छार ने पीसीएस 2017 में मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ है सर, और मेरी बेटी ने करीब 5 साल से ये रह गई थी, लेकिन 17 में इसने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और इसकी सफलता पर। किस प्रकार की परेशानी आई उन्हें ये हासिल करने? परेशानियाँ में जैसे ये एक आध बार इंटरव्यू में रह गई, तो नौकरी छोड़ी थी बीच में, और बाकी तैयारी थी इसमें। कितने दिनों की तैयारी के बाद ये सफलता मिली? साल की तैयारी के बाद इसका ये सिलेक्शन हो पाया। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे जो बेटों को ज़्यादा चाहते हैं बेटियों को नहीं चाहते हैं? नहीं, मेरा यही संदेश है कि मैंने कभी बेटी और बेटा को ऐसा ही बराबर समझा और सभी माता माँ बाप को जो है बेटी और बेटी को कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। ये मैंने कभी ऐसा नहीं है और उन्हें ध्यान देना चाहिए, बेटी और बेटा सब बराबर है, बेटी भी नाम रोशन करती है, बेटा भी। आज आपकी बेटी ने PCS में जो चयन हुआ है तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? गांव इस आपके गांव में इससे पहले इस प्रकार की कोई छात्र छात्रा या गांव की बेटी बेटे ने इस प्रकार कोई मुकाम हासिल किया हो? शायद पहले ही था जो है PCS में सिलेक्ट हुआ था अकबर खान और बाकी कोई शायद PCS में कोई सिलेक्ट हुआ। आज आपकी बेटी ने इस गांव का और क्षेत्र का नाम रोशन किया है, इसमें किसका योगदान मानते हो आप? ये है सभी गांववासी सभी जो है अपना योगदान देते हैं इसके लिए। डॉक्टर रोहल साहब आपके सबसे बढ़िया बयान है सर, खुशी भी खुशी में है यहाँ पे। और IAS हो सकता है तो ये तो एक प्रेरणा का स्रोत है। अब इसमें किस किस का सहयोग रहा? भाई मैन सहयोग तो श्री महिपाल सिंह और उनकी पत्नी का रहा, और भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इनको प्रेरित किया होगा कि भाई तुम्हें प्रभु उनको पहले से ही इस तरह से मजबूत बना देते हैं या संस्कार बना देते हैं, ऐसे में से हमारे बुजुर्ग लोग पहले कहते थे, कुछ हमारे गोत्र जाटों में ऐसे हैं जो आपस में इस तरह से जैसे चौधरी और चाहर दोनों मिल गए, चौधरी बहू हैं और ये चाहर हैं, और ये भी अच्छे पढ़े लिखे हैं। अभी मास्टर साहब ने बताया था थानजी जी ने। हाँ भाई महिपाल सिंह
इधर देखना माला तो आई है, माला और आज खंड विकास अधिकारी बन गए और मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि ये आगे चल के एसडीएम भी बनेगी। और ऐसा है कि इन्होंने घर का नाम रोशन किया है, पूरा चार बाटी का नाम रोशन कर दिया है, पूरा चार बाटी का, तो पूरा चार बाटी आज खुश है। और बदल दिया इस बेटी ने कि वास्तव में ऐसा इतिहास वही बदल सकता है जिसकी मन धारणा कल्पना विचारधारा ऐसी बन जाए कि हमें कुछ करना है। क्योंकि जो विद्यार्थियों के लक्षण होते हैं वो उस लक्षण जब जिस बच्चे में आ जाएंगे वो वास्तव में उस सीमा को छू लेगा जिसकी उसकी धारणा कल्पना है और वो धारणा जिसकी बन गई। इंग्लिश में लिखा है उन्होंने कि दोज हु पर्सन्स रिमेंबर द गॉड ऑल टाइम सेव द करेक्टर गॉड हेल्प दोज हु हैव देमसेल्फ इफ यू वांट सेकंड लाइफ टू वर्क एंड डिजायर। ये यथार्थ में ये दिखाया कि जो परमात्मा का आश्रित होकर के और अपने चर्च को रख करके जो मेहनत करते हैं निष्काम भाव से उनको अवश्य अपना परिचय देते हुए प्रधान काम बात। प्रधान जी, आज आपके गांव में एक बेटी का सम्मान किया जा रहा है, क्या है ये बेटी? जो है 2017 में वीडियो पट्ट सेलेक्ट हुई थी और हमारे क्षेत्र में पहली बार ये बेटी ऐसी एक बेटी आई है जिसमें PCS में सिलेक्शन हुआ है और विशेष मेहनत के गांव में कितनी खुशी है फिलहाल गांव में सारे गांव में क्षेत्र में अत्यधिक खुशी है कि बेटी ने ये बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। आज इसी उपलक्ष्य में आपने यहाँ ये जो आज इसी उपलक्ष्य में क्षेत्र का गांव का स्वागत समारोह में रखा है कविता सिंह बेटी के स्वागत के लिए भक्त स्वागत हुआ है और सभी को विशेष आनंद हुआ है और अति खुशी है।